कहीं मित्रों की क्वेरीज़ है कि आ, हमने ये जो पूना आश्रम मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ कुछ लीगल स्टेप्स लिए उसकी क्या कहानी है कब हुआ है कैसे शुरू हुआ तो मैं शमशीद ने बताऊंगा उसके बारे में कि 2010 के आसपास जब आ, साधनामा का स्टेटमेंट आया न्यूज़पेपर में कि भाई ये समाधि नहीं है ये चोंगसू हॉली कहो इसको समाधि कहना ठीक नहीं है इट वॉज़ अवर मिस्टेक वो ऐसा कहते थे तो हम लोग कुछ मित्रों को शक हुआ कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की मैनेजमेंट से कि भाई जिस चीज़ को आप 20 साल तक समाधि मानते आ रहे हो वहाँ पर समाधि पे इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं अपने आश्रम के मैगज़ीन्स में उसकी रिपोर्टिंग हो रही है और उसको अचानक आप समाधि कहना क्यों बंद कर रहे हो तो बोले नहीं इट वॉज अवर मिस्टेक तो मुझे मैंने कहा कि आपको बीस साल लगे <laughs> कि आपकी मिस्टेक को पहचानने में तो यू पीपल आर सो डम कि इफ यू इफ यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक एंड इट टेक्स टेन ट्वेंटी ईयर्स फॉर यू टू रियलाइज दैट इट वॉज़ अ मिस्टेक देन यू पीपल डोंट डिजर्व टू रन दिस प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल पर उन्हों बर वेरी एरोगेंट और उन्होंने <clears throat> कोई सहयोग नहीं किया बात करने में फिर हमको कुछ मजबूरी में जाके लीगल स्टेप्स लेना पड़ा कोर्ट्स कचहरी वगैरह में और हमने काफ़ी सब इंक्वायरीज की आर में ये वो फिर हमको पता चला कि इन इनकी मंशा क्या है कि इनको धीरे धीरे करके पीस बाय पीस आश्रम के जो लैंड है जो कि आज की तारीख में प्राइम आ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है कोरेगांव पार्क इज द रॉयल एंड प्राइम एरिया ऑफ पुणे उसकी बहुत हाई वैल्यूज़ है उसकी सिर्फ ज़मीन की कीमत देखाई जाए आज की तारीख में तो 2000 करोड़ के आसपास होगी कम से कम तो उनका ये प्लान था कि धीरे धीरे पीस बाय पीस सब आश्रम की लैंड्स को बेचो और फिर फाइनली सारा बेच बाज के उनके स्विट्ज़रलैंड में जो कॉपीराइट ले जाके बैठ गए हैं इलीगल तरीके से ओशो के वहाँ ले जाना सब और अमेरिका में ये सब इनके विशेष प्लान थे तो वो तो सब हमने अभी सब कोर्ट कचहरी के में केसेस चल रहे हैं मामला सब जुडाइज है तो अटका पड़ा हुआ है ये जो फ़िलहाल आश्रम के जो ट्रस्टी है जो कि एक रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं स्वामी जयेश और अमृतों के लिए इसके पीछे के मेन सूत्रधार तो वही है तो उनकी जो मंशा है स्वामी जयेश और अमृतों की और उनकी पूरी जो टीम है इस सिर्फ पैसों का मतलब नहीं है उनको ये पूरी ओशो की मूवमेंट को ध्वस्त करना चाहते हैं एक हिसाब से मेरे ख्याल से क्योंकि एक जगह पे एक जगह को ख़त्म करना फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो भारत पर जो आक्रमण हुए विदेशी ताकतों के उन्होंने सबसे पहले ये काम किया दो काम किया उन्होंने कि सबसे पहले तो जो धार्मिक स्थल थे जो आस्था के उनको उन्होंने ध्वस्त करना शुरू किया एक आ, कहते हैं ना कि जो एक जगह बिखर जाती है तो उससे बहुत कुछ बिखर जाता है क्योंकि उस जगह पे लोग आते हैं लोगों की श्रद्धा बढ़ती है उसी को ख़त्म कर दो लोग आए ही नहीं अब समाधि को समाधि नहीं को तो यहाँ क्या रिजॉर्ट दुनिया में बहुत सारे रिज़ोर्ट पड़े हैं लोग वहाँ भी जाएंगे दूसरा चीज़ उन्होंने जो ये किया था एजुकेशन सिस्टम पे उन्होंने अपना प्रहार किया था जो भी विदेशी ताकत आई उन्होंने पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया तो अभी ये भी जो कर रहे हैं कि ओशो की किताब में वो एडिट कर रहे हैं जबकि ओशो ने कहा था कि मेरे शब्दों में जो भी मैंने बोला है वो वर्ड टू वर्ड प्रिंट होना है उसमें ना कुछ ऐड करना है ना कुछ काटना है ये ओशो का बहुत ही ज़रूरी मैसेज था तो वो उससे भी वो छेड़छाड़ कर रहे हैं यानी पूरी आ, एडिटिंग हो रही है सब बुक्स वग़ैरह में तो मेरा कहने का मतलब ये कोई बहुत कोई बड़ी ताकत जिसके खिलाफ़ ओशो ने बोला था कि ये ताकतें जो तथाकथित जो स्थापित धर्म है वो सारी ताकतें मेरे पीछे लगी हुई है कि मैं मेरी आवाज़ किसी तरह शांत कर दी जाए तो मुझे तो इसके पीछे यही सब आ, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स है उन वो सब ताकतों का हाथ लगता है मुझे तो ओशो के कॉपीराइट का जो मुद्दा है ओशो ने कॉपीराइट अपना पूना में जो रजनीश फाउंडेशन था जो ओरिजिनल उसको दिया हुआ था उसको इलीगल तरीके से स्विट्ज़रलैंड ले जाकर बैठे हैं और उनके ही स्टेटमेंट्स कोर्ट में दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से उनकी सालाना इनकम करोड़ों रुपये में है सिर्फ प्रिंटिंग बुक्स की उन्होंने इनकम डिक्लेयर की है डिजिटल राइस वगैरह तो उसमें गिने भी नहीं गए जो कि करोड़ों रुपये हैं वो वहाँ बैठ के कॉपी राइट पर वो भी कमा रहे हैं और यहाँ पर कहते हैं कि पूना आश्रम बेचना पड़ रहा है क्योंकि आश्रम के पास फंड्स नहीं है रन करने को ये बहुत ही गलत बात है आश्रम को अगर उनको मैनेज करना आता हो तो फंड्स की यहाँ कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती माला के मुद्दे पर भी ओशो ने जब ओशो 1987 में वापस पूना सेटल हुए तो पूरी वर्ल्ड टूर के बाद क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये तथाकथित ताकतों ने उनको सेटल नहीं होने दिया किसी कंट्री में तो फिर वापस जब इंडिया आए ओशो और पूना आश्रम आए तब इंडियन गवर्नमेंट पर भी बहुत प्रेशर था ये सब तथाकथित ताकतें कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स के कि भाई ओशो के जो विदेशी सन्यासी हैं उनको किसी न किसी तरह से रोका जाए भारत आने को तो विदेशी मित्रों को बहुत ही दिक्कत आ रही थी वीज़ा लेने में भारत में आने को तो ओशो ने कहा कि ठीक है अगर ये लोग इस तरह मुझे मेरे लोगों तक पहुंचने को रोक रहे हैं तो मैं कहता हूं कि माला और कपड़े आप छोड़ सकते हो और माला के लिए भी बोला था कि जिसकी मर्जी हो वो पहन सकता है ऐसा कुछ नहीं है और इवन कपड़ों के लिए जैसे कई विदेश भारतीय मित्र उसके बाद भी ऑरेंज कपड़े पहनना जारी रखे थे आश्रम में भी आते थे माला भी पहनते थे अच्छा एक बार आश्रम आ जाते थे विदेशी मित्र फिर भी वो लोग भी माला पहनते थे कोई लोग किसी को नहीं रोका गया इवन आई थिंक 2015 के तक उन्होंने माला के लिए कोई ऑब्जेक्शन इवन पुनः आश्रम में भी जो लोग जाते थे किसी को रोका नहीं था कोई कोई पहन के जाते थे तो ये इनका कहना कि ओशो ने मैसेज दिया है कि माला पहननी ही नहीं है वो बहुत ही गलत है ओशो ने हर सन्यासी की मर्ज़ी पे छोड़ा था आपको पहननी हो अंदर पहननी हो बाहर पहननी हो पहन सकते हो ऐसा कुछ नहीं है तो ये माला के मुद्दों पर भी बहुत ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ओशो ने कहा ऐसा कहा था ओशो ने वैसा कहा था हाँ दूसरी चीज़ उन्होंने आश्रम से ओशो की सारी तस्वीरें भी हटा दी इवन समाधि में लगी हुई तस्वीर भी हटा दी जब उनसे पूछा गया तो बोले वो फोटो फेड हो गई थी अब अगर एक फ़ोटो फेड हो गई है तो क्या आश्रम के पास इतने भी पैसे नहीं कि नई फोटो बनवा लें रीज़न ये दे रहे कि ओशो की फ़ोटो फेड हो गई थी ये बहुत ही हास्यास्पद है फिर बोला कि ओशो उस वक़्त कोई एक अपनी शायद ब्राज़ीलियन सन्यासी थी उन्होंने ये स्टैचू बनाया था और ओशो के टाइम ही शायद बना था ऐसा कह रहे हैं तो ओशो को पसंद आई थी तो हमने ये रख दी पर तो फिर आश्रम में बाकी सब जगह से क्यों तस्वीर हटाई चलो समाधि की तस्वीर भीड़ गई पर यह भी कि मुझे तो एक बार सुनने में आया था कि जो जयेश के जो भाई है स्वामी राज जिसको कहते हैं जिसका पहले नाम था स्वामी योगेंद्र वो आश्रम में ही रहते हैं हमेशा तो वो किसी को कहते हुए ऐसे किसी ने पूछा कि ओशो की तस्वीर आपने क्यों हटाई तो कहते हैं कि जो कुछ नए मित्र आते हैं वो कहते कि ये किस बुढे की तस्वीर है चारों तरफ ऐसे शब्द उन्होंने कहे कितनी ये लोग ओशो के हर सन्यासी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं आप देखो ऐसे ऐसे वर्ड करके यानी ये पूरा षडयंत्र है ओशो ने तो अपनी पिक्चर के लिए इतना वो ध्यान देते थे जब नई कोई किताब प्रिंट होके आती थी उसके लिए उस पर जब ओशो को दिखाया जाता था कि ये ऐसा उसका डिजाइन बनेगा आपकी ये तस्वीर रहेगी ओशो ने कई बार कोई तस्वीर उनको वो उसके साथ नहीं जाने ऐसे लगी हो तो वो चेंज भी करवाई है और ओशो यूज टू लव हिमसेल्फ बीइंग फोटोग्राफ वेरी ब्यूटिफुली आप देखो ओशो जैसी ओशो जैसा सुंदर चेहरा आपको कहीं देखना मिलेगा तो ये पूरा साजिश है ये सब बहाने बता रहे हैं और ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है धीरे 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 पूरे ओशो के मोमेंट को ख़त्म करना ये आपको एक एग्जांपल दो कि जब अमेरिका से ओशो को डिपोर्ट किया गया तब तो अमेरिका के अटर्नी जनरल को पूछा गया कि भाई आपका मेन उद्देश्य क्या था ये तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि इस जगह को ख़त्म करना जगह के ख़त्म होते ही सब बिखर जाता है अब जैसे कि इस बार 21 मार्च 2023 में पूरे भारत भर से नेपाल से अमेरिका कैनेडा कहाँ कहाँ से लोग आए हमारे आह्वान पर और सब मित्र करीबन 1200 से 1500 के बीच के तादाद में इकट्ठे हुए और वो जब सब आश्रम पे इकट्ठे हुए तो आश्रम मैनेजमेंट को और इवन पुलिस प्रशासन इतनी सारी तादाद में जनसंख्या देखे उनको झुकना पड़ा कि भाई आप इनको क्यों रोक रहे हो पुलिस ने भी कहा तो मेरा कहने का है कि अब समय आ चुका है कि लोगों को संगठित होना ही पड़ेगा हमें ओशो कई लोग कहते हैं कि ओशो तो संगठन के ख़िलाफ़ है आप ही सराफे क्यों जा रहे हो ऐसा वैसा ऐसा नहीं है उस वक्त भी जब ओशो शुरू शुरू में जब उनके आप प्रवचन सुनोगे ओशो ने कहा था कि मैं संगठन के खिलाफ हूँ मैं किसी भी ऑर्गेनाइज रिलीजन या, या संस्था के खिलाफ फिर उन्होंने भी आश्रम बनाया उन्होंने सन्यास देना शुरू किया सब कुछ उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि मेरे संदेश को जन तक पहुंचाने के लिए मैं अकेला कहाँ कहाँ दौड़ूँगा आप ही सब मेरे मीडियम्स बनोगे और सब जगह जाओगे और इसको फैलाओगे तो उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट हैं ऑर्गेनाइज रिलीजन के या जो भी कहो संस्था कहो जो भी पर वो रिस्क लेके हमको चलना ही है और एक अच्छे पॉजिटिव मोटिव को लेकर हम चले ओशो की समाधि को बचाने के उद्देश्य से हम सब एकत्रित होते हैं तो उसमें कोई बुराई बुराई नहीं है और जब ये करप्ट मैनेजमेंट हटेगा आश्रम से तो जो नया मैनेजमेंट आएगा वो ये सब गलतियों को ध्यान में ज़रूर रखेगा और एक वेरी ट्रांसपरेंट सिस्टम कहते हैं ना कि व्यवहार में आएगी कि आ, जिसमें किसी को कोई शक गुंजाइश नहीं रहेगी पर इसके लिए इकट्ठे पहले एक इकट्ठे होके एक ताकत दिखानी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से क्योंकि अगर आप संगठित नहीं होगे तो आपकी बात सुनी नहीं जानी है अब देखो आप उस वक्त 21 मार्च को 2000 लोग के आसपास कोई थे जो इकट्ठे हो गए तो उनको झुकना पड़ा ना भले वो अपने वादे से मुकर गए बाईस के बाद खाली इक्कीस को अलाउड किया बीथ माला लेकिन किया ना वो क्यों किया क्योंकि हम लोग की एकत्रता को देखकर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं तो मैं अपने जितने भी ओशो के प्रेमी हैं सन्यासी हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अब हम सबको जागरूक होना है और इनके जो विशेष क्या कहते हैं प्लान्स है वो तो अभी हमारे ख्याल में आ ही गए हैं उसके लिए हमको मुहिम छेड़नी है और आज नहीं तो कल हम ज़रूर सक्सेस होंगे और आज तक इवन लीगल फ्रंट में भी हमें बहुत जगह सक्सेस मिली है तो आगे भी ज़रूर मिलेगी ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ क्योंकि हमने कोर्ट कचहरी में जो सबूत रखे हैं पूरे ब्लैक एंड वाइट में हैं सबूतों के साथ सब रखा हुआ है केस तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है हाँ ये थोड़ा टाइम लग सकता है आ, वो तो नॉर्मल है यानी जुडिशरी सिस्टम में वो अपने प्रोसेस से सब चलता है उसके लिए बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है पर आगे जाके हमको कहते हैं ना कि सत्य में वो वो होना ही होना है तो मैं सबको एक आह्वान करना चाहता हूँ कि लोग जागे और आ, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुँचाए और संगठित हो